हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जरा हट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वर्ष 2019 लाल किताब के अनुसार मिथुन राशि का नया साल किस प्रकार से बीतने वाला है और उनके लिए क्या सुझाव एवं उपाय हैं, आइए जानते हैं। इस साल मिथुन राशि के जातकों को चौकन्ना रहने की आवश्यकता होगी। किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा। किसी भी महत्वपूर्ण कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले लिखी हुई बातों को अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। यदि आवश्यकता हो तो किसी वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच न करें। यदि आप कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो कोर्ट के बाहर परस्पर बातचीत द्वारा हल ढूंढने के प्रयास करें। अप्रैल और मई के महीने में आपकी प्रतिष्ठा और यश में वृद्धि होगी। जून और जुलाई में दूसरे के काम में अपनी टांग न फंसाएं। अगस्त से आपकी आर्थिक स्थिति एवं पारिवारिक चुनौतियां आपको हैरान परेशान कर सकती है। पारिवारिक उलझने बढ़ सकती हैं। अक्टूबर और नवंबर से परिवार में सामंजस्य बन जाएगा और स्थिति आपकी सुधर जाएगी। छात्राओं के लिए यह वर्ष कुछ कठिन हो सकता है। इस साल आपके लिए सुझाव और उपाय क्या हैं? आपको नीले कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए, अपना स्वभाव विनम्र रखना चाहिए और नजरें हमेशा चौकन्नी बनाए रखें। घर में बिजली का खराब सामान बिल्कुल भी ना रहने दें, इसको तुरंत ही इस नए साल पे निकाल फेंकें। तो दोस्तों, आज हमने आपको मिथुन राशि का वर्ष 2019 कैसा रहेगा यह राशिफल बताया। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसमें ऐसे ही ज्योतिषी उपाय लेकर आते हैं और अच्छी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके जीवन के लिए बेहद लाभदायक होगी। धन्यवाद।